तो स्वागत भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो बांग्लादेश दौरा कर रही है जिम्बाब्वे का, उसका भाई जो पहला वनडे मैच खेला जाएगा। तो अभी T20 मैचेस की सीरीज ख़त्म ही हुई है और भाई अब जो पहला वनडे मैच खेला जाएगा ना, जो कि खेला जाएगा आज दोपहर को 12:45 पर, तो आज इस मैच की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर भाई आप वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो ना, तो आप इस मैच में काफी शानदार विनिंग करने वाले हो। इसका रीजन क्या है वो मैं अभी आपको आगे समझाने वाला हूं, बस आपको वीडियो को एंड तक देख लेना। भाई वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सबसे पहली बात। दूसरी बात भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वहीं अगर बात करें भाई वेन्यू की, तो आप देख सकते हो जो हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे का ग्राउंड है वहीं पर भाई मैच खेला जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये वनडे मैच है तो एक लंबा मैच है और यहाँ पर भाई आपको अच्छे से टीम अपनी बनानी पड़ेगी। T20 में अलग प्लेयर्स हमारे लिए परफॉर्मेंस दे रहे थे और यहाँ पर भाई अलग प्लेयर्स हमारे लिए परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो चलिए भाई अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की। देखिए भाई अभी हम जो भी बात करेंगे ना इस वीडियो में, इसके बाद जो भी अपडेट आएगी इस मैच के बारे में, वो सारी अपडेट आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पर ही आपको मेरी इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी वो मिलने वाली है, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से आपको ज्वाइन कर लेना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मीडियम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आप अगर हाई भी करना चाहो तो आप इसमें कर सकते हो, बस आपका बजट अलाउ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से कर्जा लेके भाई इसमें हाई इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। वहीं अगर बात करें भाई यहाँ पर आपको ज्वाइन कैसे करना है टेलीग्राम चैनल, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, उसके ऊपर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हो और वहां से ज्वाइन कर सकते हो। या फिर भाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो फर्स्ट कमेंट दिखेगा वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अब अगर बात करें पिच रिपोर्ट की, तो जो हरारे का ग्राउंड है ना भाई, यहाँ पर मोस्टली तीनों डिपार्टमेंट में अच्छी खासी हेल्प होती है, बैटिंग में भी और यहाँ से फास्ट बॉलिंग में भी, स्पिनर्स में भी, ठीक है। तो यानी कि आपको यहाँ पर ओवरऑल एक अच्छा क्रिकेटिंग मैच देखने को मिलेगा जहाँ पर भाई बैटिंग को भी हेल्प और दोनों साइड के बॉलर्स को भी हेल्प है, ठीक है। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा एवरेज बढ़ जाता है यहाँ पर एज कम्पेयर टू फास्ट बॉलर, स्पिनर्स को थोड़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एवरेज स्कोर भाई 270 से 30 के आसपास का आपको, सॉरी 270 से 300 के आसपास का आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें भाई यहाँ पर जो टोटल मैच खेले गए हैं 140 मैच खेले गए हैं, 67 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने और 72 मैच यानी कि भाई 72 मैच भाई यहाँ पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने विन किया, जबकि एक मैच नो रिजल्ट में एंड भी हुआ था। वहीं अगर भाई यहाँ पर देखिए तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पर मतलब एक तरह से एक न्यूट्रल ही वेन्यू है, क्योंकि ज़्यादा एक साइड को फेवर भी नहीं किया हुआ, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे की जो प्लेइंग 11 प्लस जो मतलब एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर है उसकी अगर बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर आपको दिखेगा इनोसेंट कहिया की बात करें, तो आप देख सकते हैं पर इन्होंने हालांकि इस सीरीज में अभी तक कोई मैच नहीं खेला, एट्रेड में इनके अगेंस्ट में कोई मैच नहीं खेला। वेन्यू की अगर बात करें 3 मैच में 118 रन 39 का एवरेज है, ठीक ठाक प्लेयर, जरूर से आप इसे अपनी टीम में रख सकते हो। वहीं अगर बात करें भाई यहाँ से वैसले माधवेरा की, तो भाई बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों काफ़ी अच्छी करता है और भाई बांग्लादेश के अगेंस्ट में जो हेड टू हेड का रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी शानदार है। बस दिक्कत है तो एक की वनडे मैचेज में इस ग्राउंड पर ज़्यादा कुछ खास नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है, अदरवाइज भाई बहुत ही शानदार प्लेयर है, ज़रूर से आपकी टीम में अच्छा खासा यहाँ पर मतलब एक बैलेंस ऐड करेगा। बट वही बात है कि बैटिंग तो अच्छी है लेकिन भाई बॉलिंग में फिर सॉरी मतलब हेड टू हेड तो अच्छा है लेकिन भाई फिर वही वेन्यू के ऊपर दिक्कत आ जाती है। बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ट्राई कर सकते हो। हेड टू हेड आप देखिए 6 मैच में 197 रन है, 32 के एवरेज से रन बनाए हैं और बॉलिंग की बात करें तो 6 मैच में भाई 5 विकेट भी निकाले हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन प्लेयर रहेगा। वेन्यू स्टेट्स की बात करें तो 6 मैच में भाई 99 रन इन्होंने ऐसे बना रखे हैं। हालांकि भाई यहाँ पर
बॉलिंग बॉलिंग वगैरह में इन्होंने विकेट वगैरह निकाले नहीं है, ठीक है। क्रेग इरविन की बात करें जो टीम के कैप्टन है, इनकी अगर बात करें तो इन्होंने भाई 13 मैच खेले, 244 रन बनाए, 22 का एवरेज है, ठीक ठाक प्लेयर है, ट्राई कर सकते हो। वेन्यू पर इनका रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है, 31 मैच में 781 रन, तो मेरे हिसाब से एक आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, जरूर से ट्राई करिएगा। डियोन मेयर्स की बात करें तो जीएल में ही ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर अगर बात करें एडवर्ड की तो 3 मैच में 86 रन है, वेन्यू के स्टेट्स की बात करें 4 मैच में 89 रन है, सिर्फ जीएल वेनिजियल में ट्राई कीजिएगा। प्लेयर अच्छा है लेकिन भाई बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है, और भाई किस सिचुएशन में आएगा बैटिंग करने ये भी देखने वाली बात होगी। सिकंदर रजा की बात करें नंबर 5 पर आपको खेलता दिखेगा। यहाँ पर अगर बात करें बैटिंग की तो यहाँ पर आप देख सकते हो 19 मैच में भाई आप यहाँ पर देख सकते हो 567 रन इन्होंने बना रखे है, और यहाँ पर एवरेज है वो भाई 29 का है। इसके अलावा एडवर्ड बॉलिंग की बात करें तो 19 मैच में 10 विकेट इन्होंने निकाल रखे, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। वेन्यू पर बात करें तो काफ़ी शानदार प्लेयर है और काफ़ी शानदार एवरेज है, 36 मैच में भाई यहाँ पर मतलब 1000+ रन है, तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर मेरे हिसाब से रहने वाला है, ज़रूर से इसे अपनी टीम में ट्राई कीजिएगा। इवन भाई सिकंदर रजा कैप्टनसी भी इसी का भी अच्छा ऑप्शन रहेगा, अभी T20 में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और यहाँ पर भाई आपको अच्छी परफॉर्मेंस देता दिख जाएगा। 7 से 8 ओवर की गेंदबाजी, मोस्टली भाई 10 ओवर भी कर जाए क्या पता, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर 4-5 नंबर पर बैटिंग करेगा तो एक इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए हो जाएगा। वहीं अगर बात करें भाई यहाँ पर जो रेजिस चकबावा है इनकी अगर बात करें तो एट्रेड की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर 17 मैच में 396 रन, अगेन एक शानदार प्लेयर है, ज़रूर से अपनी टीम में रख सकते हो। वहीं अगर बात करें भाई वेन्यू की तो 14 मैच में 357 रन है, अगेन एक शानदार प्लेयर, ट्राई कर सकते हो। जीएल मिनी जीएल में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में चाहिए आप ड्रॉप भी कर सकते हो। वहीं अगर बात करें नीचे रयान बर्ल की तो ठीक ठाक प्लेयर है, बस इनके साथ दिक्कत क्या है कि टीम इनका अच्छे से यूज नहीं करती है, यही इनके साथ दिक्कत है। अदरवाइज भाई प्लेयर काफ़ी शानदार है, ना तो टीम इनको अच्छे से कभी बॉलिंग देती है ना ही भाई अच्छे से बैटिंग देती है, तो क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो एड टू एड बैटिंग की बात करें 2 मैच में 65 रन है, एड टू एड बॉलिंग के रिकॉर्ड मतलब यहाँ पर है नहीं, बॉलिंग करवाई नहीं है। वेन्यू के अगर स्टैट्स की बात करें तो 12 मैच में भाई यहाँ पर आप देख सकते हो 220 रन है। वहीं अगर बात करें बॉलिंग की तो 12 मैच में भाई 5 विकेट भी इन्होंने निकाले। मिल्टन शंबा की बात करें तो आप देख सकते हो कुछ खास स्टेट्स हैं नहीं इनके। वहीं अगर बात करें यहाँ से जो टेंडे चटारा है इनकी अगर बात करें तो एट्रेड मैच आप देख सकते हो 14 मैच में 17 विकेट, और वेन्यू पर भी 27 मैच में 33 विकेट, अगेन एक शानदार प्लेयर है, मेरे हिसाब से मस्ट पिक रहेगा। फर्स्ट इनिंग बॉलिंग आते तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि उस कंडीशन में डेथ में गेंदबाजी करेगा। इसके अलावा भाई बी मुजरवानी की बात करें तो 5 मैच में 3 विकेट है, लेकिन भाई जो वेन्यू पर रिकॉर्ड है वो बहुत शानदार है, 9 मैच में 13 विकेट, अगेन एक शानदार प्लेयर रहेगा और आपकी टीम में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ऐसे रहने वाला है। अगर बात करें भाई यहाँ पर तनाका शिवांगा की तो भाई आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हो, मेरे हिसाब से जीएल मिनी जीएल में ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्मॉल लीग में इतना अच्छी पिक आपके लिए नहीं रहेगा। वहीं अगर बात करें भाई यहाँ पर बांग्लादेश की प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस भाई यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर है उसकी अगर बात करें तो तमीम इकबाल आपको खेलते दिखेंगे, हेड टू हेड की बात करें 44 मैच खेले हैं और यहाँ पर भाई 1816 रन है, पॉइंट भाई गलती से लग गया है, ठीक है, तो 1816 रन और 43 का एवरेज है, काफ़ी शानदार प्लेयर है। वहीं अगर बात करें वेन्यू के रिकॉर्ड्स की तो 8 मैच में 218 रन, यहाँ पर भी काफ़ी शानदार है, तो जरूर से ट्राई कर सकते हो। लिटन दास भी आपके लिए मस्ट पिक रहेगा। एट्रेड की बात करें 12 मैच में 577 रन है, 52 की एवरेज है। वहीं अगर बात करें वेन्यू पर 3 मैच में 155 51 की एवरेज, तो आप देख सकते हो कितना शानदार प्लेयर है आपके लिए। वहीं अगर बात करें भाई यहाँ पर अनमोल हक की तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो 7 मैच इन्होंने खेले हैं उसकी अगर बात करें तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने 220 रन बनाए। हालांकि भाई यहाँ पर जो इनका वेन्यू पर स्टेट्स है वो भाई कुछ है नहीं, वेन्यू पर भाई पहला ही मैच खेलने वाला है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे, उसके बाद भाई यहाँ पर आपको दिखेंगे नंबर 4 पर मुशफिकुर रहीम, इनकी अगर बात करें 48 मैच में 1360 रन और भाई यहाँ पर 40 का एवरेज है। वहीं अगर बात करें वेन्यू पर 8 मैच में 299 रन और भाई 42 का एवरेज, एक मस्ट पिक रहेगा। अगर ऊपर से कोलैप्स होता है तो नीचे आके काफ़ी बड़ी लंबी लंबी पारी है, इन्होंने अपनी टीम के लिए काफ़ी बार बुरी सिचुएशन में आके खेली और भाई एक इंपॉर्टेंट प्लेयर
में रहेगा, जरूर से अभी आप अपनी टीम में ट्राई कीजिएगा। ठीक है भाई, अगर बात करें महमदुल्ला की तो 41 मैच में 745 रन है, अगेन भाई एक शानदार प्लेयर। वहीं अगर बात करें भाई इनकी बॉलिंग की तो 41 मैच में 27 विकेट भी इन्होंने निकाले हैं। वेन्यू पर रिकॉर्ड्स की बात करें तो कुछ खास नहीं है, वेन्यू पर बॉलिंग भी कुछ खास नहीं है, तो ये चीज़ आपको बस ध्यान में रखनी है। वहीं अगर बात करें आफिफ हुसैन की तो 4 मैच में 93 रन इन्होंने बना रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो जो 4 मैच है उसमें भाई इन्होंने एक विकेट भी निकाला है। वहीं अगर बात करें वेन्यू पर तो 3 मैच वेन्यू पर खेले जिसमें भाई 86 रन है, 43 का एवरेज है, ठीक ठाक प्लेयर है लेकिन बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है तो ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। बॉलिंग की बात करें तो 3-4 ओवर मिलेंगे वहाँ पर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। मोसद्दिक हुसैन की बात करें तो कुछ खास स्टैट्स है नहीं लेकिन इस दौरे पर जो फॉर्म चल रही है वो काफ़ी खतरनाक है, तो ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हो। मेहंदी हसन की बात करें मस्ट पिक रहेगा प्लेयर। वहीं अगर बात करो भाई अगर यहाँ पर देखिए जो मेहंदी हसन है ना इनके अगर यहाँ पर रिकॉर्ड्स की बात करें तो 7 मैच में 8 विकेट निकाल रखे हैं, 7 मैच में 45 रन है। वेन्यू पर बात करें तो 11 मैच में 16 विकेट है, यानी कि हर जगह पर अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रखे। बस आपको एक काम ध्यान से करना है कि इनको आप CVC बनाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके साथ रिस्क क्या रहता है कि या तो ये बंडल्स में विकेट लेते या फिर भाई ये विकेट लेस जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नसीम अहमद की बात करें तो स्टैट्स इनके भी नहीं है लेकिन भाई आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रहे जरूर से ट्राई कर सकते हो। मुस्तफिजुर रहमान की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर भाई जो हेड टू हेड के स्टेट्स हैं उनकी अगर बात करें तो 6 मैच में इन्होंने भाई यहाँ पर 5 विकेट निकाले हुए हैं और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वेन्यू के स्टेट्स की बात करें 5 मैच में 4 विकेट इन्होंने निकाल रखे हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वेन्यू पर भी ठीक ठाक स्टेट्स है और भाई हेड टू हेड में भी अच्छे खासे स्टेट्स हैं। शोरफुल इस्लाम की बात करें तो 2 मैच में 5 विकेट है, वेन्यू पर 3 मैच में 2 विकेट, अगेन एक शानदार प्लेयर। फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग आती है तो यहाँ पर भाई मुस्तफिजुर रहमान के साथ में भी आप यहाँ पर मान सकते हो कि शोरफुल इस्लाम आपको डेथ में बॉलिंग करते दिखेंगे, तो इन दोनों को आप जरूर से अपनी टीम में ट्राई कीजिएगा। अब चलिए भाई बात करते हैं डेमो टीम की, लेकिन उससे पहले अगेन आपको याद दिला दूँ टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर बिना टेलीग्राम चैनल आपको पता नहीं लगेगा क्या प्लेइंग 11 है, क्या कुछ है, सारी चीज़ें कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। आप चलिए मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर टीम बना के दिखा देता हूँ। तो टीम की अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ से मैच है ये खेला जाएगा भाई 12:45 पर, और जब आप वीडियो में देखते हो ऑलमोस्ट भाई ये मान लीजिए आप कम से कम कि 8:30-9 तो बज ही चुके होंगे, तो 3-4 घंटे रहेंगे। वीडियो का एंड तक देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर बात करें लिटन दास, मुशफिकुर रहीम दोनों मरले इंपॉर्टेंट रहेंगे। किस कंडीशन में? जब भाई पहले बैटिंग करती है बांग्लादेश की टीम, अगर बॉलिंग करेगी तो भाई यहाँ से आपको सिर्फ लिटन दास को ट्राई करना है। तमीम इकबाल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, रैन बर्न को आप ट्राई कर सकते हो, मैं अभी के लिए ड्रॉप करूँगा। यहाँ से अगर बात करते हैं मोहसिन को आप ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं ड्रॉप करूँगा ऐसे। इसके अलावा अगर बात करें तो भाई मोसद्दिक हुसैन को मैं अपनी टीम में रखने वाला हूँ, और आई कैया को आप अपनी टीम में रख सकते हैं, काफ़ी शानदार प्लेयर है। या फिर भाई आप यहाँ से आर बर्ल को ट्राई कर सकते हो। मैं आर बर्ल को ही अपनी टीम में रख लेता हूँ क्योंकि भाई यहाँ पर काफ़ी आई कैया तो काफ़ी थोड़ा रिस्की हो जाएंगे। सिकंदर रजा यहाँ से हमारी टीम में रहेंगे, मेहंदी हसन मिराज हमारी टीम में रहेगा। इसके अलावा भाई अगर बात करें तो वेन माधुवेज हमारी टीम में रहेंगे, इसके अलावा मोहम्मदुल्ला रहेगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें भाई यहाँ पर जो बॉलिंग सेक्शन है इसकी अगर बात करें तो यहाँ से देखिए मुस्तफिजुर रहमान हमारी टीम में 100% रहेंगे, और यहाँ से अगर बात करें तो एल जोंगी हमारी टीम में अगर खेलता है ना ये मैच तो 100% रहेगा, हालांकि मतलब ज़्यादा चांसेस है कि शायद ना खेले, और अगर खेलता है तो भाई आपके लिए मस्ट पिक रहेगा। इसके अलावा भाई एक प्लेयर जो आपको फाइनल प्लेयर ट्राई करना है वो भाई अगर भाई बांग्लादेश की टीम पहले बॉलिंग करे तो बांग्लादेश का पेसर्स ट्राई कर लीजिएगा, अगर भाई यहाँ पर पहले बॉलिंग आ जाए गलती से जिम्बाब्वे की तो आप जिम्बाब्वे का पेसर्स अपनी टीम में ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर आप मान सकते हो कि यहाँ पर जो WMSAD है इन्होंने मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्यों? क्योंकि भाई ये नीचे आके अच्छी खास सेटिंग भी कर लेते हैं। कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टनसी जो मर जाएगी वो ऐसे भाई जाएगी सिकंदर रजा की तरफ। VC की अगर बात करें तो भाई अगर आप चाहो तो आप मतलब मेहंदी हसन मिराज को बना सकते हो, बट इसके अलावा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा एज ए VC वो भाई यहाँ से रहेगा, या तो भाई आप ट्राई कीजिए
देखिए, या तो आप ट्राई कीजिए तमीम इकबाल को जो काफ़ी शानदार प्लेयर है, या फिर भाई आप अवेर माधवेरे को ट्राई कीजिए जो कि मतलब आप मान सकते हो कि दोनों मतलब काफ़ी खतरनाक प्लेयर, दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। बट अभी के लिए जो मेरी टीम है वो मतलब आप यहाँ से इन दोनों को टीम का CVC मान लीजिए, और यहाँ पर भाई अभी आप इस टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो भी इस टीम में चेंजमेंट होंगे उनकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन रखिएगा, वहीं पर भाई आपको फाइनल टीम मिलने वाले, तो उसके लिए बैठे टेंशन फ्री रहिएगा, बट टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।